तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक का वेक्टर का नाम ए है और दूसरे का वेक्टर बी है, तो उनके बीच का एंगल निकालना। देखो दो वेक्टर होते हैं, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो थीटा कैसे निकाला जाता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है भाई? डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए बी कॉस थीटा होता है इनके बीच। अब डॉट प्रोडक्ट आई होप कि सबको लेने आता, आई का आई, जे का के का के, तो टू आई कैप में फोर आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो एट बना, ठीक है। फोर जे में टू जे का मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी एट बना, और प्लस फोर के में माइनस फोर के माइनस 16 बना, और डिवाइडेड बाई ए और बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो ए का मैग्नीट्यूड होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 16 अंडर रूट, ठीक है ना। और बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, वाट एवर ये जो भी हो रहा है। ऊपर में तो 0 हो रहा है, तो 0 अपन ए बी इक्वल टू 0 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 हुआ, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाई टू या 90 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना डी ऑप्शन सही है।